आज ये जो सौदा मैं 10-15 रुपए किलो में लेता था, आज 80 रुपए किलो बिक रहा है। महंगाई, इतनी महंगाई, तोबा तोबा, गरीब तो गरीब, अमीर भी जीत रहे हैं। कौन बोलता है नवाज़ शरीफ़ लाओ, बहुत बड़ा बगैर की औलाद है वो बोलने वाला। ये बाहर के लोग जो बोलते हैं नवाज़ शरीफ़ लाओ, पूरा मुल्लू उठ गया, गरीब को रोटी मिल रही है, क्या हाल है देखो, प्याज क्या जाएगा, आलू क्या, गरीब कितना खाएगा। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, हमने कई बार कहा है कि जो दुकान करते थे पकौड़ों की, उन्होंने बात कही है करोड़ों की। यानी पाकिस्तान का वजीर आजम उस जमात का लीडर है जो खजूर के पेड़ पर चढ़कर तशरीफ संगूर तोड़ लेती है। पर 18 जुलाई 2018 को हुए चुनाव में इस मदरसा पैदाइश ने केवल अंगूरी नहीं तोड़े थे, बल्कि टोपी उछालकर गेंदे के फूल भी लपके थे। ये गेंदे के फूल आज इन्हें धूल में मिला रहे हैं, क्योंकि उस दौरान जो रंग सोना लगा था वह आज इनकी तस्वीर पर कालिक पोत कर जा चुका है। हालत यह है कि पूरा पाकिस्तान जुम्मा जुम्मा कटोरा थामे भागा फिर रहा है। वैसे भी कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसलिए हमारे द्वारा कलेक्ट किए गए इस वीडियो को खुद देख लीजिए। यह वीडियो इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में भी इमरान जैसे कई नेता हैं जो आए दिन ट्विटर पर कुर्ते पाजामे फाड़ते रहते हैं और पीएम बनने के लगातार ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश की हालत देखकर आज संभल जाइए, वरना इन्हें तो पछताने का मौका मिल भी गया या तो यह मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ दो मुहे हर वक्त जेब में भगत का स्टिकर लिए घूम रहे हैं जिसे आपकी पीठ पर चिपकाने में उन्हें क्षण भर भी नहीं लगेगा। आइए देखते हैं इमरान के मुल्क की जनता इमरान के बारे में क्या बता रही है। यकीन मानिए, वीडियो जितना आगे तक देखोगे यह उतना ही ज्ञान सवाया करेगा। हुकूमत ने की कीता कोई अच्छा काम? दो साल जो ने कोई अच्छा काम नहीं कीता, बखैरता का टोला सारा आया है, कोई अच्छा काम नहीं कीता, समझे जे। पुलिस का निजाम नहीं सही हो सकया, इन्हां कोलों बल्दिया का निजाम जागां ते जा के वेखो ढेर लगे ने कूड़े दे। ए बीमारी जड़ी ना, बीमारी कोई अल्लाह वालों आफत नहीं आई, ए हर मुल्क ही आई है, लेकिन वो जिथे गंदगियां सन ना गंदगियां दे विच आई, वो लोग तो है ही गंदे ने। बेस्ट है, ऐसी बेस्ट है कि जिंदगी में कभी ऐसी बेस्ट हुकूमत देखी नहीं, ना ही कोई आई है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जाहिर है वो भी हुक्मरान रहे हैं, दो दो तीन तीन बार वजीर आजम भी रहे नवाज शरीफ, लेकिन उन्होंने बनी गाला जैसी कोई हरकत नहीं की। शहबाज शरीफ ने दो तीन बीवियां की हैं, नवाज शरीफ के बारे में नहीं सुना, हो सकता कोई हो अंदर, लेकिन इस आदमी ने ओए होए होए याशी की इंतहा कर दिया। ये जो है खान साहब, हम भी खान हैं, लेकिन तौबा तौबा, अल्लाह माफी, जो इसने बेगैरती, जो इसने लड़कियों को देखे ना, हम मुसलमान हैं, इतनी इतनी निकले, इतनी इतनी कैपरियां पहन के बाजार में फिर होती है, बाजू नंगे, कोई नहीं उनको पूछने वाला, इसने खुली छुट्टी दी हुई है, जो दिल करता करो। और इस दौरान आपके ख्याल में कोई तब्दीली आई, हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया? कोई अच्छा काम नहीं किया, बोला बुरा काम हो रहा है, साफ ला लो है, महंगाई बहुत ज्यादा हुई हुई है, इन्नी की महंगाई हुई भी, एक रेडी दे पांच जने सौदा दे रहे हैं रुपया, पांच पांच छे छे सौ रुपया जा रहे हैं, पांच पांच छे छे सौ ले जा रहे हैं, उदा कुछ नहीं बन रहा। महंगाई तो अलावा कोई अच्छा काम, कोई भी मतलब कोई छोटा मोटा है नहीं, अच्छा काम करना है ये, सिर्फ सानू यही थोड़ा काम नजर आ रहा है, गुजारा हो रहा है, होर पासे है नहीं काम बंदा करेगी, वो किधर जाओ, दिहाड़ी कोई पैसा दिंदा नहीं नगद, वो गए इन्हें पैसे है नहीं तो देना थानू कि। इलेक्शन 2018 को दो साल मुकम्मल हो गए हैं, आपके ख्याल से इन दो सालों में हुकूमत ने कोई एक भी अच्छा काम किया है या कोई तब्दीली आई? मुझे नहीं लग रहा इन्होंने कोई भी काम अच्छा किया हो, जो भी ये टीवी में जब पहले करते थे, ये हुकूमत आने से पहले हम ये करेंगे, उनमें से एक काम भी नहीं इन्होंने पूरा किया। अब सब बैठे हुए हैं, अब कोई भी नहीं, इनका बयान भी किसी चीज़ का नहीं आ रहा। मैं इससे बेहतर ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने करप्शन की है और की होगी, लेकिन उसमें आवाम को तो सुकून था ना, इतनी महंगाई वगैरह नहीं होती। अभी भी आप देख रहे हैं, किसी अल्लाह पाक हर दफ़ा हमें तौफीक देता है, कुर्बानी वगैरह देते हैं, इस दफ़ा मुझे नहीं लग रहा हम बिल्ली भी दे सकें। नहीं, वो तो फिर कोरोना की वजह ज़ाहिर है हालात ज़्यादा ख़राब हो गए ना, उसमें हुकूमत का तो कुछ। लेकिन वैसे भी महंगाई इसके दौर में बहुत ज़्यादा हो गई है। मिसाल के तौर पे क्या चीज़ अगर आप मिसाल दें कि फलां चीज़ महंगी कर, हम बिरयानी बेच रहे हैं यहाँ पे, हमारा काम है बिरयानी का, ठीक है, जो हमें 2 रुपए की चीज मिलती थी अब वो 10 रुपए में मिल रही है, आगे से आवाम इतने पैसे नहीं दे। मतलब कौन सी चीज़ है जो 2 रुपए की 10 रुपए की?
मसाले, चीनी, चावल, हर चीज में महंगाई हो गई। बिरयानी में चीनी तो नहीं डलती। 3000 रुपए का हम तोड़ा ले रहे थे चावल का। अच्छा। चावलों का अभी वो हमें 5.5 का मिल रहा है, 4.5 का मिल रहा है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिल रही। 2 साल पूरे हो गए हैं इलेक्शन 2018 कार है। मैंने हर किसी का ज्या का दौर देखा है, मैंने पीपल पार्टी का, जुनेजो का, ये सारे दौर मैंने देखे हुए। 48 साल एज हो गई है मेरी, मैंने इतनी गंदी हुकूमत नहीं देखी। गरीब आदमी ये मर रहे हैं बेचारे, कोई एक काम भी अच्छा नहीं किया। कौन सा काम अच्छा किया? कोई एक अच्छा बताएंगे तो होगा ना। मतलब ये जो शेल्टर होम बनाए हैं आवाम के लिए रहने के लिए, शेल्टर होम की बात कर रहे हैं आप, स्टेशन के पास किसको जरूरत है? बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से दिहाड़ी करने आते हैं यहाँ पर, दिहाड़ी करने आते हैं। जो लाजमी बात है, मैं अगर अपने शहर से बाहर जाऊंगा तो मेरे पास इतनी गुंजाइश होगी तो मैं जाके काम पहले देखूंगा फिर मैं लगूंगा। मैं बगैर अंधों की तरह जाके दूसरे शहर में काम कैसे कर लूंगा? वहाँ तो रोज बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं नहीं, ये वो लोग रहते हैं जो बेरोजगारी में ज्यादा दब गए हैं, ये बात याद रखिएगा। मैं अगर कहीं जाके काम करने की ख्वाहिश रखूंगा ना, पहले मैं वहाँ का आइडिया लूंगा कि मुझे वहाँ पे चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता। अगर मुझे कुछ आता ही नहीं यार, मैं जाके अब हाथ फैलाना शुरू करूंगा, मेरे लिए तो सेंटर होम बहुत अच्छा है। और ये कोरोना वाले जो 12,000 की इमदाद है, ये वाला काम भी अच्छा है? मेरा ना तो मेरा घर है, ना कोई बाइक, ना कोई गाड़ी मेरे नाम पे है, ना कोई घर मेरे नाम पे है, कुछ भी मेरे नाम पे नहीं। मैंने मैसेज किया है, मैं ना हेल करा, क्यों वजह नहीं बताई? मिले चल रही है ना हेल बताया, इन्होंने कार्ड निकाले, ठीक है, ये जो क्या नाम है इसका, हेल्थ कार्ड उसमें ना हेल करार दे दिया, क्यों? मैंने इनकी मां मारी थी तो हुकूमती कारकर्दगी का बताया ना, ये तो लोग जाती तौर पे भी करते हैं ये सारी चीजें, शादी शुदी हुकूमत की कारकर्दगी है। टीवी पे ऐलान करेगा चीनी 63 रुपए किलो, फोन करके सारे स्टोरों को कह देगा जो दिल करता है 90 रुपए की किलो बेचो, चाहे 100 रुपए की किलो बेचो। इसी तरह आटा, ये बड़ा मकार और झूठा आदमी है, इसने मुल्क का ना मुल्क को गोटे गोटे बेगैरती में डाल दिया। इन्हें तो हद ही मुका देती है ना, इन्हें तो हद ही मुका देती है। इन्हें कोई गरीब आदमी का नहीं सोचा, इन्हें क्या गरीबां नू मारना, मैं रहन नहीं देना कोई गरीब, उन्होंने मार देना। देखो देखिए, हुकूमत ने तो कुछ एक काम किया ही नहीं, हुकूमत के पास खुद बताने को नहीं है। रोज घंटे घंटे का टॉक शो होता है, उसमें कुछ हुकूमत को बताने के लिए नहीं है। वो पूछते हैं कि जी आप बताएं क्या आपने 2 साल में क्या किया, वो कहते हैं वो पहले लूटा, उसने लूटा आपका कर, उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं होता, वो कोई मंशूर नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक ही बात है हर वक्त कि जी उसने लूटा। पिस्तो आम रही है। इलेक्शन 2018 को 2 साल पूरे हो गए, इसके लिए मुल्क को और बर्बाद कर रहे हैं आप लोगों ने। कौन सा इलेक्शन, कौन है इधर का इंसान का औलाद है? ये मुल्क बर्बाद कर दिया हमारा, ये तो 44 आदमियों में चोर है ये लोग, बेनजीर की आप दूसरी दफा तकरीर सुने, ये इंसान ये नहीं, ये भारत लोग हैं। अगर गारत वाले तो पाकिस्तान ने इनके माँ बाप को छत दी है छुपने के, सर छुपाने के लिए इसी मुल्क को लूट लिया। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।